सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फ्यू आइटम्स जो हम डिसाइड करेंगे कि वो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, या तो इन्वेस्टमेंट होगी, या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. ठीक है. सो फर्स्ट आइटम मैं ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी में आता है, ये ध्यान में रखो. डेप्रिसिएशन सिर्फ एक एंट्री है. डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होकर पीएनएल अकाउंट में जाता है. तो ये जो डेप्रिसिएशन वाला आइटम है, ये सिर्फ एक एंट्री है. आ रही बात समझ में आपको? ये कैश फ्लो नहीं है. लेकिन इसको एडजस्ट करते समय आप कौन से एक्टिविटी में लेते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसके बाद मैं लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन डेट. डेट यानी डिबेंचर. ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है. ये कहाँ, कौन सी एक्टिविटी है? ये डिबेंचर से रिलेटेड है. यस, ये डिबेंचर यानी इतना जो पार्ट होता है डिबेंचर तक का, ये मैं बोलता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. तो इंटरेस्ट ऑन डेट जो है, ये भी आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. मतलब शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड आप पे करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे करते हो, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हो, या कोई लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. लेकिन मान लो अब आपने सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बेची, या आपने बिल्डिंग बेचा, या व्हीकल बेचा, ये कौन सी एक्टिविटी आएगी? ये सारी यहाँ की चीज़ें, और ये है इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे. सो इसका जो कैश फ्लो है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा. अच्छा, चौथा आइटम ले लो. मान लो ये जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है, आपको अगर बहुत छोटे में लिखा हुआ ये दिख रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट पे है ना. मतलब आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा. सी, ये शेयर कैपिटल इज फाइनेंसिंग, लेकिन यहाँ शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. तो कहीं से इस कंपनी को डिविडेंड मिला होगा, तो वो किस लिए मिला होगा? क्योंकि इस कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा. सो डिविडेंड पेमेंट एक चीज होती है, डिविडेंड इनकम या रिसीव्ड एक चीज होती है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. डिविडेंड आप अगर पे कर रहे हो, मतलब इस शेयर कैपिटल पे कर रहे होंगे, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. लेकिन अगर आपको रिसीव हुआ है कहीं से डिविडेंड, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ होगा. सो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट रिसीव्ड, या आप ले लो इंटरेस्ट पेड. इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, तो आपने या तो डिबेंचर पे किया होगा, या तो लोन पे किया होगा. तो ये जो इंटरेस्ट पेड है, ये अगेन आ जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है. लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मिला होगा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अच्छा, यहाँ जो टैक्सेस वगैरह आते हैं, ये टैक्सेस हम अपने बिजनेस की ऑपरेशंस पे जो हुआ वाला प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे हम टैक्सेस पे करते हैं. ठीक है. तो ये टैक्सेस वाला जो पार्ट आता है, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. हरी बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आपको लेना जरूरी है. जैसे कि अगर अब मैं आपको बोलूं कि अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर फिक्सचर खरीदते हैं, या व्हीकल खरीदते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किया आपने. ठीक है. सो ये बेसिक चीजें कुछ ध्यान में रखना. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे. याद रखना, ये तीन चीजें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि अकाउंट, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बना जाता है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगले लेक्चर पे मूव ऑन करने के पहले आपके अकाउंट्स में जाइए, अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में जाइए, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मिलेगा आपको. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अच्छे से पढ़िएगा, और उसमें पता चलेगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है. तब जाके आगे के लेक्चर से जितना भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत इजीली समझेगा. सो यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि आपके अकाउंट्स का पार्ट है. ठीक है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द कमिंग पार्ट. बाय बाय.